आज का फर्स्ट वर्ड है चहचहाना। पक्षी वगैरह का या चिड़ियों वगैरह का चहचहाना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्विटर। ट्विटर। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने पक्षियों को चहचहाते हुए सुना। आई हर्ड द बर्ड्स ट्विटरिंग। आई हर्ड द बर्ड्स ट्विटरिंग। अब नेक्स्ट है फड़कना, आंख वगैरह का फड़कना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्विच। ट्विच। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मेरी बाई आंख फड़क रही थी। माई लेफ्ट आई वॉज ट्विचिंग। माई लेफ्ट आई वॉज ट्विचिंग। नेक्स्ट वर्ड है टिमटिमाना, तारे वगैरह का टिमटिमाना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्विंकल। ट्विंकल। अब सेंटेंस देख लेते हैं इसका। तारे टिमटिमा रहे हैं। स्टार्स आर ट्विंकलिंग। स्टार्स आर ट्विंकलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अब नेक्स्ट है रूठना। रूठना को इंग्लिश बोलेंगे सल्क। सल्क। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वो बच्चों की तरह रूठ गई है। शी हैज सल्क्ड जस्ट लाइक चिल्ड्रन। शी हैज सल्क्ड जस्ट लाइक चिल्ड्रन। नेक्स्ट वर्ड है मनाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे परसुएड। परसुएड। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैं उसे कैसे मनाऊं। हाउ शैल आई परसुएड हर। हाउ शैल आई परसुएड हर। अब नेक्स्ट है इनकार करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्यूज। रिफ्यूज। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज्ड टू से एनीथिंग। शी रिफ्यूज्ड टू से एनीथिंग। नेक्स्ट वर्ड है खींचना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पुल। पुल। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मेरा हाथ मत खींचो। डोंट पुल माई हैंड। डोंट पुल माई हैंड। अब नेक्स्ट वर्ड है मरोड़ना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्विस्ट। ट्विस्ट। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। तुमने उसका हाथ क्यों मरोड़ा। Why did you twist her hand? Why did you twist her hand? Next word है कांपना, ये ठिठुरना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे शिवा। शिवा। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। वो ठंड के मारे कांप रहा था। He was shivering with cold. He was shivering with cold. Next word है झांकना, ये ताक झांक करना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पीप। पीप। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने उसे खिड़की से झांकते हुए देखा। आई सॉ हर पीपिंग थ्रू द विंडो। आई सॉ हर पीपिंग थ्रू द विंडो। नेक्स्ट वर्ड है खटखटाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉक। नॉक। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। Someone is knocking at the door. Someone is knocking at the door. अब लास्ट वर्ड है चाटना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लिक। लिक। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं। बच्चा लॉलीपॉप को चाटने लगा। चाइल्ड स्टार्टेड लिकिंग द लॉलीपॉप। चाइल्ड स्टार्टेड लेकिंग द लॉलीपॉप। ये दोनों आज के हमारे क्विज हैं। लिखकर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में इसके आंसर। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।